हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब की आज की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सिटी वाइज सैलरी क्रेडिटर्स और सैलरी डेबिटर्स की लिस्ट हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करते हो जहाँ पर जो आपके कस्टमर हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकते हैं या अलग अलग वो स्टेट वाइज हो सकते हैं। तो आप चाहते हो भी आप अपनी कंपनी के जितने भी आपके डेब्टर्स हैं चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, आप उन सभी का सिटी वाइज जो हिसाब किताब रखना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम टैली सॉफ्टवेयर में उनके ग्रुप्स और लेजर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और ये डेब्टर्स के ग्रुप्स और लेजर हम बीजी सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से क्रिएट करते हैं वो भी बताएंगे, और टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से क्रिएट होते हैं वो भी हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारे पास ये कुछ नाम है, यानी कि हम ये मान सकते हैं ये हमारे कस्टमर है, यानी कि सैलरी डेब्टर्स हैं। और इन सभी के अलग अलग एरियाज हैं, हम इसको सिटी बोल सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के वाइज आप इसके जो एरिया वो क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप इसको स्टेट वाइज भी क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम फर्स्ट टाइम को लेजर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हम क्रिएट पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, मान लीजिए हमने एक लेजर क्रिएट किया ए के नाम से। अब मान लीजिए ए आपका कस्टमर है, तो हम इस कस्टमर को हम क्या रखते हैं, सैलरी डेब्टर्स में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए जो सैलरी डेब्टर्स है, ये सैलरी डेब्टर्स हमें लिस्ट वाइज शो, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि हमारा एरिया वाइज अगर हम बात करें तो आप एक्सेल में देख सकते हो, जैसे कि रायसेनगर एरिया है, श्री विजयनगर एरिया है, अनूपगढ़ एरिया है, तो इस तरीके से आपके पास काफी सारे एरिया हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि रायसेनगर के डेब्टर्स का यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिटी वाइज ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए वापस क्रिएट पे जाएंगे। अब लेजर की बजाय हमें ग्रुप क्रिएट करने, तो हम ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पर हम सिटी वाइज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया राइसिंग नगर डेप्टर्स, ये मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, आप इसके शॉर्टकट नाम देख सकते हो कोई भी, और इसको हमें रखना होगा सैलरी डेप्टर्स के अंडर में, आपको करंट एसेट के अंदर इसको नहीं रखना है। एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से जो भी हमारा एरिया है उन सभी के हम डेब्टर्स के, सेम प्रोसेस आपका सैलरी क्रेडिटर का भी रहता है। और इसी तरीके से हमने अनूपगढ़ डेब्टर्स का एक नाम से ग्रुप है जो क्रिएट कर। अब हम वापस चलते हैं लेजर पे, क्रिएट पे हम जाएंगे, लेजर पे हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास अलग अलग लेजर नाम से लेजर हैं, तो मान लीजिए मैंने अनिल कुमार का एक लेजर है मेरे पास में, मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, इसकी सिटी हमने सेलेक्ट कर रखी है रायसेन नगर की, तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, रायसेन नगर डेब्टर्स, इसको यहाँ रखेंगे। और उसके बाद में जो भी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी, आप इनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जो रेगुलर है अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड उसको आप रख सकते हो। तो इस तरीके से हम सभी के जो लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से ये भी हमारा रायसेनगर का, तो रायसेनगर को हम रखेंगे। इसी तरीके से हम हमारा तीन नंबर कस्टमर, और ये हमारा कस्टमर है श्री विजयनगर का, तो हम यहाँ से इसका ग्रुप है जो सिलेक्ट करेंगे श्री विजयनगर डेप्टर के नाम से, तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं क्रिएट। इस तरीके से हम इन सभी को लेजर हमने क्रिएट कर लिए टैली सॉफ्टवेयर में, सेम प्रोसेस आपका बीजी सॉफ्टवेयर में रहेगा। अब बात आएगी, हमने ये ग्रुप लेजर और ग्रुप तो हमने क्रिएट कर लिए, लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो बेनिफिट हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं तब हमें पता चलता है। तो एक बार हम इसका आपको मैं प्रोसेस सेम बीजी सॉफ्टवेयर में भी बता देता हूँ, उसके बाद हम टैली सॉफ्टवेयर में कुछ इसकी ट्रांजेक्शन करके भी देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर पे जाना है, और उसके बाद मास्टर पे जाने के बाद आपको अकाउंट्स, अकाउंट का मतलब हो गया लेजर। अब आपको लेजर क्रिएट करोगे पहले, तो लेजर क्रिएट कर सकते हो,
अदरवाइज आप इसका अकाउंट ग्रुप आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड हम करेंगे और ऐड सेम हमारा वही प्रोसेस रह जाने वाले ग्रुप का, रायसेनगर डेप्टर्स। अब इसका जो अंडर ग्रुप रखेंगे सेम वही प्रोसेस सेंट्री डेप्टर ही हम यहाँ पर रखना है। तो इसी तरीके से आप रायसेनगर विजयनगर जो भी आपके एरिया वाइज आपने सिलेक्ट कर रखे हैं आपके एरिया के नाम है, वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर कोई एक लेजर क्रिएट करते हैं अकाउंट, और उसके बाद में मान लीजिए हमने एक कस्टमर यहाँ से ये उठा लेते हैं अनिल कुमार का, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर रायसेनगर डेप्टर्स। तो आपका जो ग्रुप है आप वो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। तो टैली सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक ट्रांजेक्शन हम इन सभी की सेल की करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने 1 नवंबर ले लिया एक बार यहाँ पर, और इनवॉइस नंबर एक बार 4 मैं 1 ले लेता हूँ। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर सबसे पहले जो हमने यहाँ पर लेजर की लिस्ट जो बनाई है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अनिल कुमार के, ठीक है। अब अनिल कुमार का हम यहाँ से लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया। आइटम आपके पास कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको 1 क्वांटिटी दे दिया, 400 रुपये इसका रेट मैंने दे दिया, रेट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ एक बार रिपोर्ट्स को देखने के लिए ये डाटा एंट्री हम कर रहे हैं, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरीके से 2 नंबर इनवॉइस मैंने ले लिया सुरेश कुमार का, आइटम इसके अंदर मैं कोई और उठा लेता हूँ, CGST टैक्स और SGST टैक्स, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करते हैं। तारीख मैं वो वापस चेंज कर लेते हैं, और इस तरीके से मान लीजिए मैंने मदनलाल के नाम को मैंने प्रोडक्ट है जो सेल कर दिया, मैंने इसको सेल कर दिया। इनवॉइस नंबर 4 श्यामलाल, इसी तरीके से हम सभी को एक एक लेजर को हम यहां पर ट्रांजैक्शन एंट्री इनकी करेंगे। इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक बार विक्रम का भी। आप सभी का एक बार डाटा एंट्री करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, रिपोर्ट्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने सभी की सेल की ट्रांजैक्शन पास कर दिया। अब उसके बाद में इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट पर, ठीक है। इसके लिए फाइनल काउंट्स और बैलेंस शीट सबसे पहले। अब यहाँ अगर आप इसकी रिपोर्ट देखोगे तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको ये सैंडी डेप्टर्स है जो दिखाई दे रहे हैं 31,165 रुपये और 87 पैसे। एंटर हम प्रेस करेंगे इस पर, तो उसके बाद में आपको यहाँ से पता चल जाएगा सब कुछ में भी आपके अनूपगढ़ के डेप्टर्स कितने हैं, रायसेनगढ़ के डेप्टर्स कितने हैं और श्री विजयनगर के डेप्टर्स के कितने हैं। यहाँ आपको वो अमाउंट दिखेगी सभी। अब मान लीजिए 5,600 रुपये आपने अनूपगढ़ के डेप्टर्स है, आप इस पर एंटर प्रेस करोगे तो वहां पर आपको वही नाम दिखेंगे जो आपके अनूपगढ़ एरिया के साइज के कस्टमर आपके हैं। तो अगर आप सैंडी डेप्टर की लिस्ट डेप्टर मतलब ग्रुप वाइज अगर हम नए क्रिएट करके जो हमारा बाय डिफॉल्ट सैंडी डेप्टर का ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर के अंदर उसी को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा डाटा हमारा यहाँ पर मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद हमें एरिया वाइज छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम जैसे मान लीजिए रायसेनगर पर आपने एंटर प्रेस किया तो वहां पर आपको केवल वही नाम यहाँ पर दिखाई देंगे जो रायसेनगर एरिया के अंडर में आ रहे हैं। इसी तरीके से आप श्री विजयनगर देखोगे तो केवल सिंगल कस्टमर आपका यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके काफी सारे कस्टमर होंगे तो आपको एरिया वाइज ढूंढने के अंदर काफी सारी आसानी हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस हमारा रहता है सैंडरिक क्रेडिटर का। अब मान लीजिए आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग स्टेट वाइज आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप गुड्स परचेज करते हो, तो वहां से आप सिटी वाइज भी सैंडरिक क्रेडिटर के जो ग्रुप है जो क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप क्रिएट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, क्रिएट पर आपको जाना है,
ग्रुप के आपको जानना है। मान लीजिए हमारे पास कुछ दिल्ली के सप्लायर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली के क्रेडिटर्स, और इसको हमें ग्रुप रखना होगा सेंट्री क्रेडिटर्स के अंदर। डेप्टर को हमने डेप्टर्स के अंदर रखा, और सेंट्री क्रेडिटर जो भी हमारे रहेंगे सिटी वाइज अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका ग्रुप हमें सेंट्री क्रेडिटर रखना होगा, तभी वो हमारी जो हमारी परचेज वाउचर में एंट्री हम करेंगे तभी वो लेजर वहां पर शो होगा। अदरवाइज आपने करंट एसेट अगर वहां पर कर दिया सेंट्री क्रेडिटर की बजाय तो वो आपका लेजर वहां से नहीं उठाएगा। तो इसी तरीके से आप टेली सॉफ्टवेयर में और बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप सेम प्रोसेस है आपको लेजर क्रिएट करने का। और उसके बाद जैसे हम बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसकी रिपोर्ट देखते हैं फाइनल रिजल्ट पे जाके बैलेंस शीट पे जाके, तो वो सारी ट्रांजेक्शन हमें इस करंट एसेट के अंदर सैलरी डेप्टर का जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर भी सिटी वाइज आपको रिपोर्ट से जो दिखेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की लगातार वीडियो नई नई मिलती रहेगी।